गौशाला रोड स्थित सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय बिहार जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को बालिका व बालक वर्ग में रोमांचक मुकाबले हुए। बालिका वर्ग में मुजफ्फरपुर ने मुंगेर को 18-2 से पराजित किया। सृष्टि ने 16 अंक हासिल किए। आरा और मुंगेर के बीच खेले गए मैच में आरा ने मुंगेर को 23-6 से शिकस्त दी, जबकि भागलपुर और मुजफ्फरपुर के बीच खेले गए मैच में भागलपुर 18-14 से जीत दर्ज की। गया और जहानाबाद के बीच खेले गए मैच में गया ने 14-2 से जीत दर्ज की। इसी प्रकार पटना और जहानाबाद के बीच खेले गए मैच में पटना ने जहानाबाद को 11-6 से शिकस्त दी। वहीं भागलपुर और आरा के बीच खेले गए मैच में आरा ने भागलपुर को 9-5 से हराया। वहीं बालक वर्ग में पटना ने मधेपुरा को 49-29 से पराजित किया। उसी प्रकार गया ने नवादा को 34-32 से, रोहतास ने मुजफ्फरपुर को 47-43, गया ने बेगूसराय को 32-2, बक्सर ने वैशाली को 16-13 से, भागलपुर ने बांका को 21-7, भागलपुर ने बक्सर को 43-38 से, पटना ने जहानाबाद को 17-4 से, भागलपुर ने वैशाली को 27-12 से, आरा ने मधेपुरा को 13-3 से पराजित किया। इसकी जानकारी आयोजन सचिव अखिलेश कुमार मणि ने दी। मौके पर अतिथि दीपक पाहुजा, मदर टेरेसा विद्यापीठ के सतीश कुमार, वॉलीबॉल खिलाड़ी करुणेश निभा, पूपा हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्रीय प्रबंधक विशाल राज, धनंजय सिंह, राहुल कुमार, रविंद्र सिन्हा आदि अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2021 को अभी कराने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अब बिहार की टीम जूनियर बास्केटबॉल की टीम बॉयज और गर्ल्स के लिए बनेगी और वो नेशनल मीट के लिए प्रस्थान करेगी। हालांकि ये काम कोरोना की वजह से लेट हो गया और हम लोगों के को समय भी बहुत कम मिला, इसलिए हम लोगों ने इस स्कूल को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाया और यहीं पर सारी टीमों को, स्टेट की सारी टीमों को यहीं पर बुलाया। लड़कियों की टीम है, लड़कों की टीम है, 14 लड़कों की टीम है, 8 लड़कियों की टीम है। उन सब में पहले लीग मैच कराए जा रहे हैं, उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल होगा और कल चैंपियनशिप का फाइनल होगा। उसके बाद टीम के, बिहार टीम के लिए बॉयज और गर्ल्स की का सिलेक्शन होगा, टीम तैयार होगी और वो टीम नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जाएगी। बच्चों में कितना उत्साह दिख रहा है? बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। हमको तो लग रहा है कि कोरोना के बाद जैसे बच्चों को पंख लग गए हैं और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी लगा करके चैंपियनशिप जीते। हर टीम अच्छा खेल रही है या अच्छा खेलने का प्रयास कर रही है। हम लोग बेसिकली यहाँ के हैं और संजीवियर से खेलते हैं, संजीवियर की टीम है हम लोग, और अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल चल रहा है तो हम लोग मुजफ्फरपुर की तरफ से खेल रहे हैं। कोविड के बाद जो आप लोग यहाँ मैच खेल रहे हैं, कितनी उत्साह है आप लोग में? बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही है। वो क्या चाह रहा है, ये मैच इस तरह की होती रहे अब? हाँ। टीम की क्या नाम है, टीम का कुछ नाम बोलेंगे? मुजफ्फरपुर गर्ल्स टीम। मुजफ्फरपुर की है। टीम का कुछ नाम? मुजफ्फरपुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर है हमारा। कितनी उत्साह है ये लॉकडाउन के बाद इस तरह का मैच हो रहा है? बहुत बहुत ज्यादा उत्साह है हमारे प्रति। क्या चाह रहे हैं, इस तरह का मैच होता रहे? होता रहे, कंटिन्यू होता रहे।